अभी आप देखोगे गाइस, तो मैंने यहाँ पर 4,000 रुपए तक के लोन को अप्लाई किया है और लोन हमारा सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है गाइस। आप देखोगे इसकी ईएमआई कितनी बनेगी और कितना लोन अमाउंट मेरे को पे करना है, कितना मेरे बैंक अकाउंट में आया है, सभी की डिटेल्स मेरे को यहाँ पर बता दी गई है। अगर आप भी ब्रांच एप्लीकेशन में लोन लेना चाहते हैं तो गाइस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको पूरा देखना है। आप देख सकते हो लोन मैंने अप्लाई किया और कुछ ही टाइम में जो लोन है मेरे बैंक अकाउंट में भी आ गया है गाइस, जो कि आपको इजिली इसकी रिसिप्ट देखने को मिल गई होगी। अभी मैंने 4,000 का लोन अप्लाई किया और ये जो लोन है ये मेरे बैंक अकाउंट में इजिली आ चुका है गाइस। लोन की रिसिप्ट कंफर्म करता हूँ तो मेरे को ब्रांच एप्लीकेशन में होम स्क्रीन पर लोन अमाउंट के बारे में बता दिया जाएगा। वेल गाइस, आज की वीडियो में मैं जो आपको प्रोसेस बताऊंगा उसमें मैं आपको ब्रांच एप्लीकेशन में लोन को अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि काफी यूजर्स इसमें लोन को अप्लाई करना चाहते हैं। लोन को अगर आपने अप्लाई किया है, काफी यूजर्स को इसमें प्रॉब्लम होती है गाइस कि वो जो है ये इसमें फिक्र कर रहे हैं कि आपका जो लोन है वो आपने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन अभी वो कितने टाइम में आपके बैंक अकाउंट में आएगा ये उनको एग्जैक्टली नहीं पता गाइस। आज की वीडियो में सारी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, बस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। एक एक डिटेल्स को हम क्लियर करेंगे कि किस तरह से जो लोन है हमें अप्लाई करना है, कैसे जो लोन अमाउंट है वो बैंक अकाउंट में आएगा, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ब्रांच एप्लीकेशन आपको बताता है उसमें लगभग 12 घंटे तक का समय वो आपसे मांगता है, मतलब 12 घंटे में जो भी आपका लोन का पैसा होता है वो आपके बैंक अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाता है इजीली। कभी कभी गाइस होता यह है कि यूजर्स 2-3 बार ब्रांच एप्लीकेशन में लोन ले चुके हैं तो फिर जो उनका पैसा है वो इंस्टेंटली भी आ जाता है, क्योंकि बैंक डिटेल्स आपकी वेरीफाई होती है, बस जो लोन अमाउंट है वही डिसबर्स करना होता है तो इजिली डिसबर्स कर देते हैं। लेकिन न्यू यूजर्स के जो है गाइस कुछ टाइम लग सकता है, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, बैंक अकाउंट की डिटेल्स वेरीफाई करेंगे, तो उनमें जो है 12 घंटे से कभी कभी यूजर्स के कुछ ज्यादा टाइम भी लग जाता है, 1 दिन लग जाता है। लेकिन जो लोन अमाउंट है अगर रिजेक्ट होता है तो वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा ब्रांच एप्लीकेशन में, और अगर डिसबर्स होता है तो वो भी बता दिया जाएगा। कभी कभी कुछ ज्यादा टाइम भी लग सकता है। आज की वीडियो में लोन को अप्लाई करके हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपको पूरी डिटेल्स पता चल जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। वेल हेलो गाइस, मेरा नाम है लखन, आप देख रहे हैं स्मार्ट लखन यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। अभी आप देख पाओगे गाइस कि अभी हम यहाँ पर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं, ब्रांच पर्सनल लोन ऐप यहाँ पर हमारे सामने खुलकर आ चुकी है। अभी पहले इसके बारे में कुछ डिटेल्स को हम क्लियर करेंगे, उसके बाद में हम लोन को अप्लाई करने की प्रोसेस देखेंगे गाइस। इस एप्लीकेशन में अगर आप लोन अमाउंट की बात करोगे कि कितना लोन अमाउंट हम यहाँ से ले सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम, तो यहाँ से आप जो है गाइस मिनिमम जो लोन अमाउंट है वो यहाँ पर 500 रुपये बता रखा है और जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो 1 लाख रुपये बता रखा है, और इंस्टेंट इसमें अप्रूवल हो जाता है ऐसा करके इन्होंने बता रखा है। और अगर आप टेन्योर की बात करोगे तो टेन्योर भी इसमें बढ़िया मिल जाता है, जो टेन्योर है वो 62 डेज से लेके तो 12 मंथ तक का इसमें टेन्योर बन सकता है गाइस। मिनिमम टेन्योर जो है 62 डेज है और मैक्सिमम 12 मंथ है, और जो इंटरेस्ट रेट इसमें रहेगा वो 2% से लेके तो 4% के बीच में रहेगा गाइस, डिपेंड करेगा वो आपकी प्रोफाइल के रिस्क पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। लोन का एग्जाम्पल वगैरह आपको बता रखा है तो इसे आप देख लीजिए। लोन जो है आपको यहाँ पर ये काफी तरह के प्रोवाइड करती है, इसका मतलब है कि यहाँ से आपको जो भी नीड होगा जिस भी लोन के लिए, जैसे कि यहाँ पर कुछ नीड भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है कि आपको मेडिकल लोन चाहिए इमरजेंसी, वो भी लोन प्रोवाइड करती है, शॉपिंग लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, ट्रेवल लोन, काफी सारे लोन आपको ये प्रोवाइड करती है। साथ में एक बेनिफिट इसमें ये है कि गाइस अगर आप एक स्टूडेंट है तो यहाँ से लोन ले सकते हो, स्टूडेंट को भी लोन प्रोवाइड करती है। और एप्लीकेशन के बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड एनबीएफसी एप्लीकेशन है, जो कि उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। कॉन्टेक्ट के लिए आपको यहाँ पर एक मेल आईडी प्रोवाइड कर रखी है, तो उस पर जाके आप इनसे सपोर्ट ले सकते हो। सबसे पहले मैं एप्लीकेशन को ओपन करूंगा, ब्रांच एप्लीकेशन हमारी जो है ओपन हो रही है। अगर आप पहली बार इसे ओपन करोगे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसकी, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, और आपको प्रमोशन कोड भी अप्लाई करने वाला ऑप्शन मिलता है यहाँ पर इन्वाइट कोड में। आप इन्वाइट कोड पे आइए, ये जो प्रमोशन कोड मेरे देखने को मिल रहे हैं इस प्रमोशन कोड को आप इंटर है प्रमोशन कोड में एंटर कीजिए, तो गाइस आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम 100 रुपए का कैशबैक देखने को मिलेगा। अभी हम क्या करते हैं दोबारा से होम पर आते हैं, अभी मैं आपको लोन को अप्लाई करने वाली जगह पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर सिंपली मैं लोन्स पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी कम्प्लीट की हुई है। अगर आप न्यू यूजर है एप्लीकेशन के प्रोसेस कम्प्लीट करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उससे रिलेटेड एक और वीडियो मैंने बना रखी है, उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है गाइस। सिंपली आपको करना यह है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपनी बैंक डिटेल्स और आपकी एक सेल्फी, बस इतनी चीजें आपसे कलेक्ट की जाएंगी, और बाकी जिस भी लोन के लिए आप एलिजिबल रहोगे वो लोन अमाउंट आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। अगर शुरू में आपके सिविल स्कोर कम है तो 500 से लेके तो 1500 तक का आपको लोन अमाउंट मिल सकता है,
और अगर आपकी सिविल थोड़े ज्यादा है तो फिर आपको यहाँ पर मैक्सिमम इसमें बता रखा है कि 1 लाख का लोन प्रोवाइड करती है, तो आपको 50,000, 60,000, 10,000, 20,000, 30,000 जितने की भी आपकी एलिजिबिलिटी होगी उतना लोन ये आपको प्रोवाइड करेगी गाइस। लोन को अप्लाई करने में ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको लाइव लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है। तो आपको सिंपली लोन अमाउंट को सिलेक्ट करना है। सिंपली गाइस आप पहले एप्लीकेशन में लोन की प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में आपको कुछ इस तरह से होम इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है कि अप्लाई नाउ, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। हम लोन को अप्लाई कर रहे हैं, अभी कितने लोन की आपको नीड है, मान लीजिए मैं 4,000 का लोन लेना चाहता हूँ, 4,000 के लोन की मेरे को नीड है, 4,000 के लोन को सिलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू करूंगा। अभी ये लोन अमाउंट सिलेक्ट हो चुका है, अगर ये गलती से हो चुका है तो आप बैक आ सकते हो या इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर सकते हो। फिलहाल हम लोन का टेन्योर सिलेक्ट करेंगे, तो टेन्योर भी आपको बढ़िया मिल जाता है, 31 डेज से लेके तो 62 डेज का इसमें आपको टेन्योर मिल जाता है। यानी कि आप 30 दिनों के लिए भी लोन ले सकते हैं और 62 डेज के लिए भी लोन ले सकते हैं। यहाँ पर 31 डेज है तो वो आप देख लीजिए। फिलहाल 2 मंथ के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो, फिलहाल मैं एक ही मंथ सिलेक्ट करूंगा। अगर आपको 2 मंथ के लिए लोन चाहिए तो 2 मंथ सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर 31 डेज सिलेक्ट करूंगा, ये सिलेक्ट कर चुका हूँ मैं। अभी आप देखोगे तो आपको जो लोन अमाउंट है उसके बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी। लाइक गाइस आप यहाँ पर इसे नोट कर सकते हो एक बार। अगर देखोगे तो जो लोन की प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी लगेगी वो यहाँ पर 412 रुपये लगेगी, और जो बैंक अकाउंट में अमाउंट आएगा वो 3588 रुपये का अमाउंट आपके बैंक में डिसबर्स किया जाएगा, 130 रुपये का आप पे इंटरेस्ट लिया जाएगा गाइस 31 डेज में, और जो टोटल आपको रीपेमेंट करनी है वो 4,130 रुपये करनी है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सिंपली इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, नहीं करना चाहते अभी फिलहाल इसके बारे में और थोड़ी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो व्यू लोन डिटेल्स पे आ सकते हो। अगर मैं व्यू लोन डिटेल्स पे क्लिक करूंगा तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स मिल जाएगी, लाइक प्रोसेसिंग फीस कितनी कटेगी, जीएसटी वगैरह, ये तो हमने देख ली है। अभी हमें क्या करना है, आपको लोन की शेड्यूल देखने को मिल रही है यहाँ पर, जो कि आप इजीली देख सकते हो। इस शेड्यूल में ये बता रखा है कि जो आपकी लोन की ईएमआई है वो कब आएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपकी ईएमआई है वो 5 मई 2024 को आएगी गाइस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अमाउंट आपको इतनी पेमेंट करनी है और एक ही बार में आपको पेमेंट करनी है, क्योंकि आपने 31 डेज का सिलेक्ट किया। अगर 62 डेज का सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर 2 EMI काउंट होके आ जाएगी। फिलहाल ये डिटेल्स क्लियर कर चुके हैं हम। अभी आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से बैक आना है। यहाँ पर अभी हम लोन को अप्लाई करेंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू आप जैसे ही करोगे, अभी जब लोन को आपने अप्लाई किया है शुरू में ब्रांच एप्लीकेशन में आपने अकाउंट क्रिएट किया, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैंक की डिटेल्स आपसे ली जाएगी, तो बैंक की डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। अभी आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब एप्लीकेशन में हमने अकाउंट बनाया था तो वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस बैंक को आपको यहाँ पर कंफर्म करना है, बैंक आपकी ऑटोमेटिक आ चुकी है। अभी आपको सिंपली अप्लाई पर क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करूंगा। प्रोसेस हो रही है गाइस, और अभी आप देखोगे तो यहाँ पर ये यूजर का लोन एग्रीमेंट आया है। एग्रीमेंट आप देख लीजिए यहाँ पर, एग्रीमेंट को आप पढ़ सकते हो, पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ गाइस, लेकिन आप पढ़ लीजिए अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल चाहिए तो, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कितना लगेगा आप पे, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर बता रखी। सिंपली पढ़ने के बाद में आपको इनके एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना होगा और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। अभी देखोगे तो लोन हमारा अप्लाई हो चुका है। और एक और बात गाइस मैं आपको बताना चाहता था कि जो मेरा लोन अमाउंट है वो यहाँ पर 12 घंटे तक का समय लेता है, जैसे कि ये तो मेरा लोन अमाउंट ऑटोमेटिक इन्होंने डिस्बर्स कर दिया है 1 मिनट के अंदर में। जैसे कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला था कि काफी यूजर्स के जो लोन अमाउंट है वो इंस्टेंटली डिस्बर्स कर देते हैं, क्योंकि उनकी बैंक डिटेल्स पहले से वेरीफाई हुई होती है। तो सेम चीज मेरे साथ हुई है, मेरा जो लोन अमाउंट है वो इजिली मेरे बैंक में आ चुका है कुछ ही मिनट के अंदर में, जो कि आपको इजिली देखने को मिल रहा होगा। लेकिन काफी यूजर्स की प्रॉब्लम होती है, जैसे गाइस प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि लोन आपका अप्लाई हो चुका है, ये आप देख सकते हो मेरा जो लोन है उसमें क्रेडिट अप्लाइड भी हो चुकी है, यहाँ पर लोन हमारा अप्लाई हो चुका है और इसके बारे में प्रिंसिपल अमाउंट या कितना बैंक में गया है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर बता दी गई है। और यहाँ पर टाइम उन्होंने दिया हुआ है कि 12 घंटे के अंदर में जो आपकी एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो जाएगी और जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कभी कभी इससे कुछ ज्यादा टाइम भी लग सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था गाइस। फिलहाल मैंने अपनी जो लोन की रिसिप्ट है उसको कंफर्म किया और यहाँ पर टोटल ड्यू जो है वो मेरा 130 रुपये दिखा रहा है। वो इसलिए दिखा रहा है गाइस क्योंकि 4,000 की जो मेरी लोन अमाउंट है उसमें मेरा रेफरल बोनस रिडीम हो चुका है। अगर रेफरल बोनस के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि रेफरल बोनस रिडीम कैसे करें या रेफर करके हम पैसे कैसे कमाएं ब्रांच एप्लीकेशन में, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पर देखने को मिल जाएगा, तो वहां से उस वीडियो को आप प्ले कर सकते हो। फिलहाल जो लोन अमाउंट है जैसे कि मैंने आपको बताया था, पूरी प्रोसेस मैंने आपको क्लियर की है कि लोन को कैसे अप्लाई करना है,
बैंक में हम कैसे ले सकते हैं, और विद इन 1 मिनट के अंदर में गाइस ये जो लोन अमाउंट है ये मेरे बैंक अकाउंट में भी आया है, जो कि मैंने आपको दिखाया है। ये आपको स्क्रीन पर मैं प्रूफ डाल दूंगा कि जो लोन है वो डिसबर्स हो चुका है, अप्रूव हो चुका है, बैंक में आ चुका है। अभी गाइस इसमें जो पेमेंट है वो आपको कैसे करनी है उसके रिलेटेड भी मैंने वीडियोस बना रखी है, तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ड्यू डेट हमारी जो है 5 मई को है, तो वो आप इजीली देख लीजिए, 5 मई तक आपको इसकी पेमेंट करनी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है गाइस तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस आपको मिलते रहे।